आपका क्वेश्चन है द टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ दैट डिजिट्स इज एट। व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर्स। तो देयर आर टू डिजिट नंबर्स, तो आपके टू डिजिट नंबर्स क्या होते हैं? टेंस एंड यूनिट्स। तो सपोज दिस इज द नंबर, तो नंबर में आपका पहले क्या होता है? टेंस, सेकेंड इज योर यूनिट, है ना, टेंस एंड यूनिट। तो दैट मीन्स फर्स्ट टेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 10 और सेकेंड वाले को आपको मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज योर यूनिट। तो दीस आर द टू नंबर्स और दीस आर द नंबर्स, तो देयर आर टू डिजिट्स, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट डिजिट बी एक्स, तो ये आपने ले लिया एक्स, तो यूनिट आपका क्या हो गया? देखो इसमें क्या कहा है, द डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ दैट डिजिट्स इज एट। तो दिस इज योर एट बाई एक्स, तो एक्स एट बाई एक्स, दिस टूगेदर फॉर्म्स द नंबर, ठीक है। बट आपको पता है टेंस के साथ क्या होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। तो दैट इज योर 10x प्लस 8 बाई एक्स, दिस इज योर करेक्ट नंबर नाउ, ठीक है। नाउ इसने क्या कहा, देखो, व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, फ्रॉम दिस 18 इज सब्ट्रैक्टेड, 10x प्लस 8 बाई एक्स माइनस 18, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, दैट इज इक्वल टू, नाउ दिस आर आपके डिजिट्स है, अब ये इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आपका कैसे आ जाएगा? 8 बाई एक्स और यहां पर आ जाएगा एक्स। तो नंबर इज व्हाट? 8 बाई एक्स इंटू 10 प्लस एक्स, दिस इज द नंबर। तो ये नंबर आपका यहां पर आएगा, तो 8 बाई एक्स इंटू 10 प्लस एक्स, ठीक है। नाउ तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। 10x प्लस 8 बाई एक्स माइनस 18, दैट गिव्स यू 80 बाई एक्स प्लस एक्स, ठीक है। नाउ अब x को एक साइड में लेकर आ जाओ और माइनस 18 को एक साइड में लेकर आ, देखते हैं हमारा क्या आता है। तो आपका आ जाएगा 10x माइनस एक्स दिस वन प्लस 8 बाई एक्स माइनस 80 बाई एक्स, सॉरी इसको भी यही रहने दो, माइनस 18, दैट गिव्स यू जीरो, ठीक है। नाउ वी विल टेक, ये कितना है आपका, 10x माइनस एक्स इज 9x, तो 9x माइनस 72 बाई एक्स माइनस 18, दैट गिव्स यू जीरो। नाउ टेक द एलसीएम, एक्स है आपका एलसीएम, तो क्या आ गया आपका, 9x² माइनस 72 माइनस 18x, दैट गिव्स यू जीरो। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू जीरो इज जीरो, तो आपका इक्वेशन यही आएगा ऊपर वाला, क्या है आपका, 9x² माइनस 18x माइनस 72 इज इक्वल टू जीरो। आप देखोगे ये क्या है, 9 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर देते हैं, तो अब आपका आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8, दैट गिव्स यू जीरो।
ठीक है। नाउ मिडिल टर्म को स्प्लिट करो तो 8 है यहां पर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इज 8, 4 माइनस 2 इज 2, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 दैट गिव्स यू 0, ठीक है। तो x इज कॉमन तो आपका आ गया x माइनस 4, यहां पर देखो 2 इज कॉमन तो आपका आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो देर आर टू वैल्यूज, क्या है आपके x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इज योर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 4। इसने क्या कहा देखो, इसने क्या कहा, इफ यू इंटरचेंज दैट नंबर्स, है ना, तो आपका क्या होना चाहिए, दैट प्लेसेस ओनली साइन विल नॉट गेट चेंज्ड, है ना। तो नंबर्स आपके क्या है, उसने यही पूछा है, तो नंबर्स आर, तो x इज 4, है ना, इफ x इज 4 तो आपका क्या हो गया, देखो नंबर x इज 4, नंबर सेकेंड नंबर क्या हुआ 8 बाई 4 इज 2, तो 42 इज द नंबर, ठीक है, तो ये आपका नंबर होगा। आप इसको किस लिए अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो x माइनस 2, ठीक है, तो x माइनस 2 के साथ करेंगे तो आपका देखो क्या आ जाएगा माइनस 2, फिर यहां पर है 8 बाई माइनस 2 दैट गिव्स यू माइनस 4, तो आपका क्या हो गया माइनस एंड माइनस, देखो दो माइनस आ गए आपके, है ना, तो इस तरह का नंबर नहीं होता है, तो वी विल इग्नोर दिस एंड दिस इज आवर करेक्ट नंबर्स। तो x का वैल्यू इज 4 इज द करेक्ट वैल्यू, ठीक है, तो आपका नंबर इज 42।